यहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं उन सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे ही आयोजन करते रहें, तब उनकी सच्ची श्रद्धांजलि सफल है। और उन्होंने जो कुछ हम लोगों के बीच छोड़ गए सद्गुण के रूप में, उनको भी हम लोग अपने जीवन में उतारें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय। श्री साहिब जी के विचार श्रवण किए, अब हम उन संतों की ओर चलेंगे जिनका आप आमंत्रण पत्रिका में नाम पढ़े हैं। सब जानते भी हैं, परिचय की कोई जरूरत नहीं है। खास हमारे बीच में विराजमान हैं सूरत कबीर आश्रम के अध्यक्ष श्री गुरुभूषण साहिब जी। आप आए और श्रद्धांजलि तो दीजिए ही, हमारे लिए भी कुछ बातें रखें। कम से कम 20-22 मिनट अपनी बातें रखेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। श्री गुरुभूषण साहिब जी, मंच पर विराजमान पूज्य संत गुरुजन और बृहत समाज में साधिकाएं भी आई हैं, सम्माननीय भक्त सज्जनों एवं श्रद्धामती माता बहनों, '83 में पहली बार इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज है, गुरुदेव जी के सानिध्य में रहने के विचार से गया। लेकिन उस समय कुछ ऐसा सिस्टम था कि एक बार तो घर वापस भेजा जाता था। तो साहेब जी अभी विराजमान हैं, सब थे उस समय। एक महीना सवा महीना कितना रहा इलाहाबाद याद तो नहीं है। फिर आया, आने के बाद कुछ दिन तो रहा अपनी जन्मभूमि में जहाँ पिताजी सर्विस करते थे। उसके पश्चात गुरुदेव जी से पत्र व्यवहार हुआ और मुझे लगा कि शायद श्री परीक्षा साहेब जी उत्तर दिए थे, ऐसा मुझे ख्याल है। और उस समय पूज्य श्री धर्मेंद्र साहेब जी और एक संत थे हमारे नया पारा आश्रम के, जयेंद्र साहब, उस समय उनका नाम केजराम, तो वो उनको लेकर के साहेब जी आए हुए थे छत्तीसगढ़। एक मन में था कि अब इलाहाबाद कैसे लौटूं, तो वे संत मिलेंगे तो उनके साथ लौट जाऊंगा, ऐसा सोच करके। अब क्योंकि घर तो आएंगे नहीं, आश्रम में आएंगे, ऐसा सोच करके समीप का आश्रम था करही भदर, वहाँ आया। तो वहाँ उस समय संत थे श्री चैन साहब जी, उन्होंने कहा कि नहीं इधर नहीं आएंगे, हाँ श्री अमृत साहब के पास ले चलता हूँ। और ले आए, बिल्कुल उस समय 21 साल का ही रहा समझो, कुरुद उतरे और वहाँ से पैदल यहाँ तक आए। रात में एक संत, वो भगत थे गणपत जी, यहाँ साधु हो गए थे बाद में भरदा में, वहाँ रात रुके थे। फिर यहाँ आए तो श्री अमृत साहेब जी और श्री गुरुध्यान साहेब जी यहाँ थे। उस समय शोभा शरण साहेब जी यहाँ नहीं रहते थे, दर्रा रहा करते थे, और मैं उनको जानता भी नहीं था। श्री अमृत साहेब जी के साथ यहाँ महीना सवा महीना, फिर देवा बाई वहाँ एक साध्वी रहती थी, कई दिनों तक रहा। शाम को खिचड़ी बनाया करता था, उनको पसंद भी आता था। ये बातें कुछ हैं कि फिर धीरे धीरे अयोध्या से सद्गुरुदेव का आगमन हुआ और फिर यहाँ से चलने लगे, तो वहाँ मिले, फिर यहाँ आए। इस प्रकार फिर गुरुदेव जी के साथ ही लग गया मैं।
चूंकि मुझे उधर जाना था और साथ साथ अयोध्या भी चला गया, और अयोध्या में उस समय श्री गुरुक्षेम साहेब जी विद्या अध्ययन कर रहे थे, संस्कृत पढ़ रहे थे। इस प्रकार फिर धीरे धीरे शोभा सरन साहेब जी से मिलना हुआ, पता हुआ कि यहाँ रहते हैं, आए थे गुरुदेव जी आए तब, तब उनको जाना। और अंत में करही भदर में श्री उबार साहेब जी की श्रद्धांजलि के समय यहाँ से संत लोग उनको लेकर गए थे, और फिर बालाजी हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थे तब भी उनके साथ उनको मिलने के लिए श्री राधेश्याम भैया जी के साथ गया था। इस प्रकार से उनसे ये शुरुआत और अंत की बात मैंने की, और बीच में तो अनेकों बार मिलना हुआ। उन्होंने क्या किया, कितना समाज के लिए योगदान दिया, हम सभी परिचित हैं। और बहुत लंबे समय से साधु समाज और भक्त समाज में उनका रहना रहा, होता रहा, और इसी स्थिति में उनके उनसे अच्छी तरह से परिचित थे, वो कैसे संत थे और कैसी व्यवस्था करते थे। हम सभी मानव हैं, और मानव में कुछ खूबियां होती हैं और कुछ कमियां होती हैं। वे भी एक संत थे, साधक थे, उनमें भी खूबियां थी, उनमें भी कमियां थी। उनकी खूबियों को लेने की आवश्यकता है कि उन्होंने क्या किया। देखा जाए, अभी मैं श्री विचार साहब जी से जो मैं जानता था उसको सेटिस्फाइड कर रहा था, क्या वे मैरिड थे, कहाँ हो तो गई थी, शायद पूर्व वक्ताओं ने शायद इस संबंध में चर्चा भी की हो, लेकिन ये बात कि शादी के बाद भी उन्होंने चाहे दबाव में आकर के शादी हुई हो जैसा हो, लेकिन अंततः उन्होंने सब कुछ को छोड़ करके साधना मार्ग में बढ़े, ये त्याग उनका जीवन भर बना रहा। जहाँ तक मैं समझा, ये त्याग वो जीवन भर बनाए रखे, अछूते रहे। फिर से वो वहाँ आकर्षित नहीं हुए कि मैं फिर से उसके संबंध में कुछ आकर्षित हों, कुछ करें, ऐसा नहीं। दूसरी बात, अपनी संपत्ति को वे किसी रिश्तेदारों को भी दे सकते थे, अपने माता पिता के अकेले थे, और अकेले होते इतनी संपत्ति होते हुए शादी रचा सकते थे, और शादी रच करके बाल बच्चे होते तो जो गृहस्थी का जीवन है वैसा जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साधना के महत्व को समझा, भक्ति के महत्व को समझा, वैराग्य के महत्व को समझा, और गुरुजनों का संपर्क हुआ, और फिर साधना मार्ग में चले। अपनी संपत्ति को किसी, कई बार होता क्या है, कहीं कहीं आप सुने भी होंगे, साधु भी हो गए उसके बावजूद भाई भतीजा बात थोड़ा छूटता नहीं है। देखिए, क्षमा करें, मैं कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप सुने होंगे ऐसा कि वो अपने भतीजा को दे दिए, अपने भाई को दे दिए, या उनको कर दिए। लेकिन श्री शोभा सरन साहेब जी और भी उनके रिश्तेदार तो दूर के संबंधी रहे होंगे, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की अपनी संपत्ति को दी हो ये मेरी जानकारी में नहीं है। क्यों? वो ये मानते रहे कि जो भी मेरी संपत्ति, जो मुझे पैतृक संपत्ति मिली है, या मैंने भक्तों के माध्यम से जो कुछ पाया है, वो संत समाज में लगे और भक्तों का के लिए उपयोगी हो। संत और भक्त इसके हकदार हैं, वही इसके उपयोग करें, और इसीलिए उन्होंने ये संपत्ति को बरकरार रखी है। अब महत्व क्या है? अब महत्व यही है, जो उन्होंने जितना भी छोड़ा, चाहे वो चल या अचल, जो भी संपत्ति है इसका सही उपयोग हो, और जिस उद्देश्य से आश्रम का निर्माण हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। भाइयों ने कहा भी कि जितने संत आज यहाँ विराजमान हैं, पूर्व में नहीं था, एक प्रकार से ऐतिहासिक ये कार्यक्रम ही है। और मैं भी जानता हूँ जितना मैं जाना, और गुरुदेव जी के साथ तो यहाँ कितनी बार आना हुआ था, कई बार आए, तो सचमुच ये स्थिति नहीं थी। कहने का मतलब है कि जो
अब क्या है कि इसमें जो कुछ बचा है उससे आगे के कार्यक्रम को करने में सुविधा है। और क्यों सुविधा है? दो कारण से। एक तो संतों का संरक्षण है। ये नहीं है कि ये संत समाज जो यहाँ रहते उनके विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। और भक्तों का भी सहयोग है। और ऐसी स्थिति में कोई भी कार्यक्रम का आयोजन करना बड़ा सरल होता है। जब कोई विरोध में आते हैं, विपरीत बातें करने लगते हैं, थोड़ी कठिनाई होती है। और हर जगह कुछ न कुछ तो होती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ रहने वाले साधक साथियों ने मेहनत की और उन्होंने उनको बल भी तब मिला जब बहुत सारे भक्त लोग उनके पीछे सपोर्ट करते रहे। पिछली बार भी एक मीटिंग हुई थी और यहाँ श्री द्वारका भैया जी बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं जो लोग आए थे, और इस प्रकार से इसमें निर्णय हुआ, चर्चा हुई और बहुत सारी बातों को क्लियरिफाई किया गया, स्पष्ट किया गया, और वो एक प्रकार से उसका पटाक्षेप भी हुआ जो कई ऐसी बातें थी। तो मैं समझता हूँ कि अब तो रास्ता सही है, सत्व एक प्रकार से क्लियर ही है। और ऐसी स्थिति में यहाँ रह करके, जैसे भाइयों ने भी कहा कि यहाँ कार्यक्रम होते रहें, जैसे नयापारा आश्रम में मासिक सत्संग का आयोजन होता है, वैसे तो हर रविवार को होता है लेकिन एक मासिक सत्संग का बड़ा आयोजन होता है, और बहुत पहले सूरत आश्रम में भी शुरू हो गया था, तभी से वहाँ क्रम चलता आ रहा है। ये क्यों होता है? मैं बहुत पहले एक बार श्री गुरुबोध साहब जी थे तब उन्होंने कहा था, आश्रम वही जिंदा है जिसमें संतों और भक्तों का आना जाना लगा रहे, नहीं तो कोई दीवार देखने नहीं आता है, मकान देखने नहीं आता है, संतों के सानिध्य लाभ के लिए आते हैं। गुरुदेव जी भी कहा करते थे, यहाँ कोई आश्रम देखने नहीं आता है, संतों के पास रह करके कुछ लाभ लेने आते हैं। आखिर में प्रयागराज में भी गुरुदेव जी से या संतों से मिलने जाते हैं, किस लिए जाते हैं? आश्रम की भव्यता देखने नहीं जाते हैं। और वहाँ संत रहते हैं, गुरुजन रहते हैं, उनके पास जाएं, उनके विचार सुने। और वहाँ कई लोग, ये भी सच है कि वहाँ की एक सुंदर व्यवस्था है उसको भी जानना चाहते हैं, और वो भी एक महत्वपूर्ण तो है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। और जो भी, चाहे वो नयापारा हो, सूरत हो, अन्य साधिकाओं का आश्रम हो, जो लोग देखते हैं जानते हैं कि कैसा गुरुदेव जी ने सबके लिए एक सिस्टम दिया। और पूज्य श्री धर्मेंद्र साहब जी का तो मैं आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने वो सिस्टम को बनाए रखा है और सबके लिए एक निर्देश भी दिया, दे रहे हैं कि किस प्रकार उस सिस्टम को जो प्रारंभ हुआ है उसको आगे उसको ले करके चलें। इसी क्रम में इस आश्रम को भी, आश्रम वासियों को और भक्तों को भी ये ध्यान देना होगा कि कैसे, क्योंकि सिस्टम हम देख आए हैं, सिस्टम हमारे सामने मौजूद है, आदर्श रूप है, उसके अनुसार फॉलो करना है बस। हमको नया कुछ क्रिएट करने जैसा कुछ है नहीं है। आपके पास संपत्ति है जो भी हो, और सबसे बड़ी संपत्ति तो भक्त समाज है ना, क्योंकि यह नहीं है कि कोई जगह जमीन हो तभी हमारा कार्यक्रम चले। गुरुदेव जी के बारे में तो सभी जानते हैं, 1000 रुपये लेकर के वो कबीर पारस संस्थान की स्थापना के लिए आए थे, 1000 रुपया लेकर के, और आज कितना है? तो असली चीज अभी भी वहां पर खेती करके आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, सूरत में भी कोई सोर्स नहीं है। क्या वहां सत्संग नहीं होता है? क्या वहां भक्तों के लिए व्यवस्था नहीं होती है? सब जगह होती। अच्छा, मैं केवल इलाहाबाद और सूरत की बात नहीं कहता हूं, और जगह भी इसी प्रकार से है जहां पर अचल संपत्ति है और उसकी आमदनी है, वहां भी यदि चाहें तो सेवा और सत्संग का प्रवाह बना रहेगा। और जिनके पास वैसी संपत्ति सोर्स नहीं है आमदनी का, लेकिन यदि वो चाहें तो वहां भी सत्संग का प्रवाह बन सकता है, संतों का आवागमन हो सकता है और भक्तों को संरक्षण मिल सकता है। इसलिए आवश्यक है कि यहाँ रहने वाले साधक और साथ साथ में इस क्षेत्र के गांव वालों, गांव ग्राम वासियों का तो दायित्व ही है। अच्छा, करते भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं, आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। गुरुदेव जी एक बात कहा करते थे, सभी लोग सुने होंगे, हम सभी
यदि कोई साधक संकल्प ले मैं अपने हाथ से भोजन नहीं करूंगा, तो उन्हें भोजन कराने वाले लोग मिल जाएंगे, बशर्ते वे साधना परायण हों। यदि कोई साधना परायण संत हो और कहे कि मैं अपने हाथ से भोजन नहीं करूंगा, कोई खिलाएगा तभी खाऊंगा, तो खिलाने वाले मिल जाएंगे। ऐसे हैं। कहने का मतलब है, यदि हम गुरुजनों के पथ पर चलें, साधना के पथ पर चलें, तो धन की कमी कभी नहीं होगी, सहयोग की कमी कभी नहीं होगी। बस अपने विचारों को ठीक रखना है, अपने शब्दों को सही रखना है और अपने व्यवहार को सही रखना है। यदि इन बातों पर ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम इस आश्रम को और विकास करते चले जाएंगे। और मैंने कहा ना, जो संत आए हैं वो सबके मन में एक भावना है। पहले से भावना क्या है, जैसे ये भी विकास करे इस आश्रम में, क्योंकि ये यहाँ से नयापारा आश्रम भी दूरी है, तो एक क्षेत्र ही है। इसके माध्यम से जिस प्रकार नयापारा राजीव वाला आश्रम है, वहाँ पर प्रवाह है सत्संग का, एक सुंदर सा वाइब्रेशन है वहाँ का, उसी प्रकार से यहाँ भी संतजन रहेंगे, भक्तजन सहयोग करेंगे, तो सत्संग का माहौल बनेगा, आना चाहेंगे। और जब सही व्यवस्था मिलती है ना, तो संतों का आने का मन भी करता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप जानते हैं ऐसे भी आश्रम है जहाँ जाओ तो कई बार तो ताला मिलेगा और कई बार तो पानी पूछने वाला नहीं। अच्छा, पूछने वाला भी हो तो आसन लगाने का मन भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? सफाई नाम की चीज नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा, कोई ऐसा करते हो तो मैं उनकी जानता भी नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं ना गुरुदेव जी के साथ किन किन आश्रमों में भ्रमण करते थे, और कितने हमारे साथी लोग जानते हैं अच्छी तरह से। वहाँ न जाना पड़े तो अच्छा है, वहाँ न जाना पड़े तो अच्छा है, नाम गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं ये कह रहा था, आप सुंदर व्यवस्था करें, अच्छी व्यवस्था होती तो लोगों के मन में उदारता भी आती है, देने का भाव भी जगता है। लेकिन पहले उदारता आपकी होनी चाहिए, फिर बाहर से उदारता आने लगेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो और सब कुछ लुटा दीजिए तो क्या आप कमी हो जाएगी? कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी होती ही नहीं है। भोजन मिलना है, कपड़े मिलना, अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, खिचड़ी सब्जी खाएंगे, जो है उसी से काम करेंगे। लेकिन वो सब काम होते रहता है। हम सभी ये आशा करते हैं, यहाँ जो साथी लोग रहते हैं, साधक साथी लोग, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी ये ध्यान रखें कि इस आश्रम के विकास के लिए सोचें, भक्तों से प्रेम बढ़ाने के लिए सोचें, उनसे सलाह मशविरा करने को सोचें और गुरुजनों से आशीर्वाद लेने को सोचें, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और ये लाभ सबके लिए, हमारे एक समाज है ना, अपना एक समाज है, खास करके जो हम बढ़ारा समाज अपने को मानते बढ़ारा समाज के हैं, तो एक अच्छा लगेगा ना, गौरव होगा कि भी हमारा बढ़ारा समाज के एक आश्रम है और अब पहले से भी ज़्यादा विकसित हो रहा है, तो हम सबके लिए भी ये गौरवान्वित हम महसूस करेंगे। तो मैं ये सारी बातें कहीं तो श्री शोभा सरन साहब जी निश्चित रूप से अपने जीवन में जो कुछ किया, लोगों से मांग के लाए, कुछ करके लाए, या अपनी ही संपत्ति को लगाए, कुछ जमा किए, कुछ लगाए, कुछ किए, अपनी समझ के अनुसार जितनी उनको होती थी उसके आधार पर उन्हें बहुत अच्छा किया। अब इससे और बेहतर किया जा सकता है जो अभी स्थिति मौजूद है उसके आधार पर, और उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। मैं उनकी याद में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साहेब बंदगी। एक बार जोर से जय बोल दें, बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, संत श्री शोभा सरन साहेब की। लगभग 2 घंटे हो गए हम केवल विचार ही सुन रहे हैं। मेरा मन कहता एक आध भजन, मधुर भजन श्रवण कर लें। इसके लिए पोटियाडी कबीर आश्रम से आई है साध्वी मंजुला जी, आप आए और एक प्रसंगानुकूल भजन रखें तो अच्छा लगेगा। साध्वी मंजुला जी, आ तो रही।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं, आप सभी के समक्ष मेरे लिए आज्ञा हुई है आज्ञा पालनार्थ सभी संत गुरुजनों के चरणों में एक वंदना समर्पित है। हे गुरुवर, आप मेरे मोक्ष के आधार हो। हे गुरुवर, आप मेरे मोक्ष के आधार हो। आप नहीं आप सागर, आप ही पतवार हो। हे गुरुवर, आप मेरे मोक्ष के आधार हो। हे गुरुवर, आप मेरे मोक्ष के आधार हो। आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया। आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया। आप जो मेरे हुए तो मैं को मैंने खो दिया। आप जो मेरे हुए तो मैं को मैंने खो दिया। मैं को मैंने खो दिया। ज्ञान की परिभाषा हो और सच का सच में सार हो। आप नहीं आप सागर, आप ही पतवार हो। हे गुरुवर, आप मेरे मोक्ष के आधार हो। आपके चरणों में गुरुवर आज मेरा माथ है। आपके चरणों में गुरुवर आज मेरा माथ है। आपकी छाया में मैं हूँ तो दिन से उजली रात है। आपकी छाया में मैं हूँ तो दिन से उजली रात है। दिन से उजली रात है, क्यों मेरी इस आत्मा पे वासना का भार हो। आप नहीं आप सागर, आप ही पतवार हो। हे गुरुवर, आप मेरे मोक्ष के आधार हो। हे गुरुवर, आप मेरे मोक्ष के आधार हो। आपके महाकाव्य का हृदय से जब भी स्पर्श हो। आपके महाकाव्य का हृदय से जब भी स्पर्श हो। मेरे अंतर मन से मेरा जब विचार विमर्श हो। मेरे अंतर मन से मेरा जब विचार विमर्श हो। जब विचार विमर्श हो, आती जाती श्वास भोले आप ही उस पार हो। आप नहीं आप सागर, आप ही पतवार हो। हे गुरुवर, आप मेरे मोक्ष
मोक्ष के आधार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष के आधार हो, मोक्ष के आधार हो। बोलिए सद्गुरुदेव की। बहुत मधुर भजन श्रवण किए हमारे तारक उद्धारक सद्गुरु संत ही होते हैं। एक और लिस्ट मेरे पास आया है और हम उनके भी जो शुरू से ही शोभा सरन साहब जी के साथ जुड़े रहे हैं, श्री लक्ष्मी नारायण साहब जी जो भैंसमुंडी के हैं, आप हैं तो आए और दो मिनट में अपनी बातें रखेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण जी साहू हैं क्या? नहीं आए हैं। श्री संतोष जी साहू वस्त्र भंडार वाले, वो भी नहीं आए। श्री सेवा साहेब जी जो प्रेम साहेब के नाम से जानते हैं, आप आए और दो मिनट में अपनी बातें रखें सेवा साहेब जी, फिर हम साहब के विचार श्रवण करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु इस आश्रम के मेरे गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब। साहेब के तो बहुत से शिष्य बने हुए हैं, लेकिन उसी में एक मैं भी हूँ उनका शिष्य, जो यहाँ मैं उनको करीब 6 साल तक का उसके सेवा में रहा। साहेब मुझे हमेशा बड़े प्रेम से और शिक्षा से चाहते थे। गांव वाले भी जानते हैं, सभी जानते हैं, संत लोग भी जानते हैं। संयोग मैं नया पारा आश्रम में चला गया और जाने के बाद भी मैं यहाँ उनका सेवा करता रहा। जब भी कार्यक्रम होता था 2-4 दिन पहले आता था और आकर के उनके साथ में पढ़ते थे। साहेब जी कहा जाए तो एक कर्मठ संत थे। वे कोई आदमी अगर कोई अच्छा सलाह भी दे देते तो जब तक उसके दिमाग में नहीं बैठता तो कैसे भी सलाह उसको मानने वाले नहीं थे। और यदि उसके दिमाग में बैठ गया, सत्य बात निकल गया, उसको जच गया, तो वो चाहे कोई भी आदमी उसे रोक दे, इसको नहीं साहब ऐसे कर देना है, वो कभी मानने वाले नहीं थे। इस प्रकार से अपने आप में पूरा कर्मठ थे। एक बार की बात है, सभी गांव वाले जानते हैं उस बात को। उस देवाश्रम में कुछ काम करना था तो उस समय मैं यहाँ था, तो मकान बनाने के लिए ईंटा बाहर से ईंटा बनवा करके ले आए थे और ईंट को यहीं रचवा दिए देवाश्रम में, घर के अंदर बाड़ी में। अगल बगल पूरा मकान अगर है, यहाँ उस समय 2-4 संत और रहते थे। सभी ने कहा उनको कि साहब यहाँ पर भट्ठा रचना उचित नहीं है, जगह नाजुक है, ऐसे करके। लेकिन साहब किसी को नहीं सुना, रचवा दिया भट्ठा। आग लग गया, आग लगा। अब जब अधिक आग लगने लगा ना तो धड़का अगल बगल देखा तो साहब सोचा कि अब यहाँ के रहने वाले को भी कोई संत भी नहीं जाते थे तो हम लोग धोखा में पड़ जाएंगे करके। अब वो अकेला पहुँच गया और चप्पल तो पहनते थे, चप्पल को बाहर फेंक दे और चढ़ गए ऊपर में। और चढ़ करके यही कुआं से 2 पाइप फंसा लिया और फंसा करके वहाँ अकेला पूरा पाइप से पूरा मतलब भट्ठा को बुझाना शुरू कर दिया। लेकिन वो उतरा नहीं वहाँ से। मैं भी देखा, मेरा भी हिम्मत नहीं हो रहा था उस आग में चढ़ जाऊँ भट्ठा में करके। लेकिन वो अकेले चढ़ गया और चढ़ कर पूरा दोनों पाइप पकड़े, दोनों तरफ से बिछाना शुरू कर दिया। जब तक उसमें आग ठंडा नहीं हुआ तब तक वो भट्ठा से नहीं उतरा और यहाँ कोई संत गया भी नहीं।
और कुछ कुछ डर के मारे मैं गया था, मेरे को मत कर दे करके, तो मैं जो कहता था वही करता था, लेकिन वो मेरे चढ़ने के लिए नहीं बोला और स्वयं किया और काम इस प्रकार से हल किया। अंतिम उसका ऊपर के ईंटा तो पूरा पानी में घुल गया, लेकिन अंदर के जो ईंटा था वो पक भी गया, उसका मकान जो बनना था वो बन भी गया। इस प्रकार से वो जिस काम को अगर सोच लेते थे तो किसी को सुनने वाले नहीं थे साहिब, और वो काम पूरा कर ही लेता था। बड़े बड़े मकान बनाए जैसा भी हो, उसके जो दिमाग में आए उसी के अनुसार से किया। आज भी उसके बना हुआ मकान है, कहीं जर्जर हो रहा है, कुछ कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसका नाम आज भी वहाँ लिखा हुआ है, बनाया है। उसी को रिपेयरिंग करके अभी यहाँ जो संत हैं अब इतना सुचारू रूप से काम दे रहे हैं, ये पहला बार उन लोगों का, और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे इन लोगों का काम यहाँ बना रहे तो अच्छा है, संत समाज सबको खुश करके रखें। और यही मेरा उन लोगों का मेरा अपना विचार है, और इसी का वाणी के अनुसार मैं सद्गुरु देव को श्रद्धांजलि अर्पित देते हुए अपना वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु साहेब की जय। साहेब, एक चीज में भूल गया था, माफी चाहता हूँ। दो दिन से इस व्यवस्था में श्री गुरछेम साहेब जी लगे हुए हैं, जो भी आयोजन है उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप भी आएं और दो मिनट में अपनी बातें साहब के लिए रखेंगे। श्री गुरछेम साहब जी, मंचासीन विभिन्न आश्रमों से पधारे संत गुरुजन तथा विभिन्न आश्रमों से पधारी हुई साध्वी बहने, इस क्षेत्र के तथा इस गांव से पधारे सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों तथा दूर से आए हुए सज्जनों एवं देवियों, आज का ये श्रद्धांजलि सभा श्रद्धे संत श्री शोभा शरण साहेब जी की स्मृति में हो रही है। आप अभी श्रवण किए श्रद्धे संत श्री गुरुजतन साहेब जी से कि आपने शादी के मंडप से ही भाग करके साधु हो गए थे। हम लोग सुनते हैं ना, मीराबाई भाग गई थी, लेकिन वो तो पता नहीं भागी थी कि नहीं। ये प्रत्यक्ष साहब जो लोग अभी वर्तमान में हैं वो बता रहे हैं, उन्होंने खुद वो खुद बताते थे कि शादी के मंडप से भाग करके संत हो गए। मतलब इस प्रकार त्याग था उनके जीवन में, त्याग और वैराग्य दोनों ही थे साथ साथ। उनके विचार, उनके मन की भावना, मैं तो त्याग तप साधना करूं ही, मेरे बाद न रहने वाले, मेरे बाद में रहने वाले लोगों के लिए भी एक आश्रय बना करके जाऊं, एक आधार बना करके दूं, ये भी भावना थी। उसी का ये फल है, कितना बड़ा आश्रम का निर्माण उन्होंने किया, और उस आश्रम में बैठ करके हम लोग संतों के विचार श्रवण करते थे और आज भी कर रहे हैं, तथा मुझे आशा है इसी प्रकार आने वाली पीढ़ी भी इस जमीन पर, इस दर पर वे लोग अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे बैठ करके। इतना ही नहीं रहा, उनका एक और लक्ष्य था, उनका एक और उद्देश्य था, मैं ना रहूं तो मेरा धन तो काम में आएगा ही, मेरा निर्माण किया हुआ आश्रम तो काम में आएगा, ये जो मेरा शरीर है पंच भौतिक वो भी लोगों के काम में आए, उसको भी लोग शोध करके, उसको जान करके डॉक्टर लोग
उपयोग करें आँखों को और इंद्रियों को। इस प्रकार उन्होंने अपने शरीर का भी जीवन दान दे दिए थे। कुल मिलाकर के एक भले ही बहुत बड़े प्रवक्ता ना हो, गायक ना हो, लेकिन छोटे ही सही उन्होंने जो कुछ भी किया वह समाज के लिए किया, देश के लिए किया और अपने लिए तो उन्होंने किया ही। इस प्रकार उनका जो योगदान है हम भुला नहीं सकते हैं। हम सबको भी चाहिए कि इस प्रकार कुछ ना कुछ हम लोग भी उनके जीवन से ये शिक्षा लें कि हमारे पास जो धन है, हमारे पास जो विद्या है या हमारे पास जो और कुछ भी नहीं है, तो ये जो हमारा शरीर है उसको भी हम परमार्थ के क्षेत्र में उपयोग करें। वो शिक्षा हम सबको चाहिए कि श्रद्धे संत श्री शोभा सरन साहब जी से लें, और यही लेना ही हमारे असली श्रद्धांजलि होगी। मैं विनम्रता पूर्वक श्रद्धे संत श्री शोभा सरन साहब जी को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। श्री साहिब जी के विचार श्रवण किए। दो मिनट के लिए मैं करही भदर आश्रम से श्री देवेंद्र साहिब जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप दो मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, आप साहिब जी के विचार सुनेंगे। श्री देवेंद्र साहिब जी मंच पर विराजमान, परम पूज्य गुरुजन, साध्वी समाज, हमारे बीच बैठे हुए समस्त भक्त सज्जनों, माता बहनों, संत की कर्म भूमि और जन्म भूमि दोनों नमन के योग्य होती है। ग्राम दर्रा को नमन है जिस ग्राम ने 19 संत दिए और उनमें श्री शोभा सरन जी का नाम अग्रणी है, और सभी क्षेत्रों को ग्राम दर्रा ने पल्लवित पुष्पित किया, चाहे बुरहानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे भैंसमुंडी हो, चाहे करही भदर हो, और अनेक चाहे धर्मपुरी हो, चाहे मूरा हो, और चाहे जो भी आश्रम हो, सबको पुष्पित पल्लवित किया है। पूज्य साहेब जी ने कहा कि मेरा धन लगे तो लगे, लेकिन तन भी मेरी सेवा में लग जाना चाहिए। सन 2016-17 में कबीर आश्रम करही भदर में कार्यक्रम हुआ, तो उसमें सभी संत साधियों ने अपने शरीर का देह दान और नेत्र दान करने का संकल्प लिया। तो साहब ने कहा, देवेंद्र मेरा भी कर दो जी, मेरा भी कर दो जी, किसी काम लगेगा, लोग टकर टकर देखेंगे। बड़े सरल थे और बड़े सरलता से हमको ऐसे कंधा पकड़ करके वो कहा करते थे, मेरा भी कर दो जी। हाँ साहब कर देंगे, नहीं अब भी करो। मतलब उसकी लगन थी कि मेरा शरीर छूट जाएगा तो नहीं करेंगे। 2000 अभी साहेब जी का श्रद्धांजलि सभा हुई, उसमें साहेब पधारे थे, तो माइंड थोड़ा सा ऐसे हो, फिर भी समझ गए देखो बार साहेब को क्यों ना मेरा भी करा देना। मतलब इतना विश्वास करते थे कि मेरा जरूर करा देंगे, और हम लोग उनके संकल्प को कितना पूरा किए कितना नहीं किए, लेकिन प्रयास तो पूरा था। इन्फेक्शन हो जाने के कारण उनकी आँखें शायद नहीं दी जा सकी, लेकिन बॉडी गया। डॉक्टरों ने कहा कि नहीं इन्फेक्शन हो गया, हम नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ ले जाएंगे लाने में फिर देर लगेगी। तो उनके लिए श्री लखन साहब और भी संतों ने कहा एसी गाड़ी करेंगे उनके लिए, बर्फ़ ले, बर्फ़ वाली गाड़ी, और बर्फ़ वाली गाड़ी में लेकर के यहाँ आए और फिर यहाँ से फिर वापस उनको लेके गए। तो उनका जो संकल्प था उन्होंने पूरा किया। किसी के काम आता है कि नहीं आता है वो बड़ी बात नहीं है, मेरी भावना काम आती है कि मैंने संकल्प लिया है वो मेरा तरफ से पूरी हो गई। उन्होंने अपने धन को भी लगा, इतने पैतृक संपत्ति मिली उनको, अपने भाई भतीजों में नहीं दी, कोई था नहीं तो देंगे क्या, लेकिन लेने वाले हो जाते अगर ना देते तो। तो उन्होंने संत आश्रम के लिए छोड़ा। जो भी संत की संपत्ति है संत की जगह पर लगे वो ज़्यादा आदर्श होगी। मैं पूज्य साहेब जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए साहेब बंदगी साहेब। धन्यवाद साहेब जी। अब हम परम पूजनीय श्री परीक्षा साहेब जी से निवेदन करता कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभ देने की कृपा करेंगे। श्री परीक्षा साहेब जी
वहीं बोलिए संत श्री शोभा सरन साहेब की। लब्ध प्रतिष्ठ परम सम्माननीय संत श्री धर्मेंद्र साहेब जी कबीरा संत सूरत से पधारे हुए, परम आदरणीय संत श्री गुरुभूषण साहेब, मेरे साधना पथ के प्रेरक हमारे सम्माननीय संत श्री गुरुजतन साहब जो सक्रिय से पधारे हुए, कृपा शरण साहब और दूर दूर से आए हुए, विभिन्न आश्रमों से आए हुए संत गुरुजन, सम्माननीय साध्य समाज, प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, प्रकृति का एक नियम है, संयोग का वियोग होता है, मिलन का विछड़न होता है, सूर्योदय होता सूर्यास्त भी होता है। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत करके चले जाते हैं। प्रकृति का और चेतन का वियोग हुए बने मृत्यु है। श्री शोभा सरन साहेब जी के चले जाने के बाद मुझे थोड़ा भी दर्द नहीं है, क्योंकि साधना पथ के एक अच्छे संत थे, त्यागी थे, वैरागी थे, रहने संपन्न संत। अभी सुना कि शादी हो रही तो मड़वा से भाग के चले गए, सामान्य उदाहरण नहीं, बहुत बड़ी बात है। साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेर के खड़ी भया नहीं तेल। साधु को साधुत्व जो होना चाहिए पूरा जीवन उन्होंने सही रूप से निभाया है। वे दिन मुझे याद आते हैं, सन 1969-70 की बात होगी, गुरुदेव श्री रामसूरत साहेब जी पूरी संत मंडली सहित इस छत्तीसगढ़ अंचल में आते थे। 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3रे साल हर पूरी संत मंडली लेकर के आते थे। लगभग 25 साधक उस समय नए युवक साधक निकले थे, भक्तों में बड़ी खलबली मच गई थी कि अब इन संतों को नहीं बुलाना, हमारे जवान जवान लड़के को उठा ले जाते हैं महात्मा लोग। किसी किसी भक्त ने कहकर थाना में जाकर रिपोर्ट करेंगे, तो मैंने श्री अभिलाष साहब जी से कहा कि साहेब ये लोग थाना में रिपोर्ट करने वाले हैं कि साधु लोग भगा ले जाते हैं। तो साहब कहा तुम चोरी कर रहे हो जिसमें, अरे चोरी डाका तुम कर रहे हो, जो वहां कुछ सुनवाई होगी, तुम तो सतपथ के पति को, तुम्हारा कुछ भी नहीं, डराते हैं तुमको। ये बात मुझे याद भी याद आती है। और एक बात और याद आती है श्री अभिलाष साहेब जी की, बहुत से साधक तो निकल रहे हैं, आम के जो बौर होते हैं बहुत होते हैं, टिकोरे कम होते, फिर फल बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक साहेब जी ने कहा कि 25 साधक निकले थे उसमें करीब करीब परिणाम बहुत अच्छा रहा, अधिकतम साधक साधना पथ में रहे। हम लोग उन्हीं महापुरुष के शिष्य हैं, गुरुदेव श्री रामसूरत साहेब जी से आश्रम संबंधित है। खेत के साथ मुझे कहना थोड़ा कष्ट भी होगा यहाँ के आजकों को, शोभा सरन साहेब जी के शरीर छूटने पर मुझे सोचना नहीं मिली है, मुझे लता ब्रह्मचारिणी दी है, थोड़ा मुझे कष्ट भी हुआ इसका। खैर बाद में यहाँ के किशन साहब, राम लखन साहब, इन लोगों ने फ़ोन किया प्रोग्राम लेने की बात, श्री साहेब जी का 15, 16, 17 श्री सम्मानित श्री धर्मेंद्र साहब, धर्मेंद्र साहब का, तो मैं 13-14 तारीख के कार्यक्रम में, जनवरी में मैं मनरोज में घनश्याम साहब के कार्यक्रम में रहा करता हूँ,
तो मैंने लोगों ने कहा कि उस समय मैं नहीं आ सकूँगा, अगर धर्म क्या कहते हैं घनश्याम साहब अगर स्वीकार करते हो तो आ जाऊँगा। उनका नहीं, मेरा प्रोग्राम तो होता है, होता रहेगा। फिर साहेब जी की कृपा हुई कि इस तारीख में हो सकता है, 29-30 तक कहाँ इसमें मैं आ सकता हूँ, तो आपके बीच आए। कुछ ऐसी होते होती जो अपने आदर्श के माध्यम समाज को आलोकित करता है, और प्रतिवर्ष भंडारा के नाम से लोगों से सहयोग लेते थे, प्रतिवर्ष बढ़िया भंडारा होता भी था। कोरोना वायरस की वजह से इस बीच में कुछ विघ्न पड़ गया, नहीं हो पाया, और अपने जीवन में जो कुछ भी संपत्ति उन्होंने इकट्ठी की उनका सही सदुपयोग किया, उसका कार्यक्रम जिस रूप में दिख रहा है आप सामने देख रहे हैं, प्रत्यक्ष सामने है, तो वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी। अपने जीवन को साधना में तपाया, और हम लोगों को भी साधना में अपनाने रहना चाहिए, और जिस ढंग से अपने जीवन को प्रकाशित किया उसी प्रकार हम लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उन्हीं के अनुसार हम लोग भी अपने जीवन को अर्पित करें। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री साहिब जी के निर्देश और उनके भाव हम श्रवण किए। अभी 2 दिन और है प्रोग्राम, सभी संतों के आशीर्वचन, उनके विचार हम श्रवण करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी विराजमान हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप इस सभा को अपने विचारों से आलोकित करने की कृपा करें। श्री साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, महत्व इस बात का नहीं है, इस दुनिया में आकर किसने कितना लंबा जीवन जिया और लंबा जीवन पाया, किंतु महत्व इस बात का है कि जी करके क्या किया। इस जीवन में आने का असली फल उसने ही प्राप्त किया जो स्वयं हंसते रहे, सन्मार्ग पर चलकर अपना कल्याण किए, औरों को भी हंसाते रहे और अनेकों को कल्याण मार्ग की प्रेरणा देते रहे। जन्म लेकर आया है, जाना तो सबको है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हलाए, जो चुने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। सूरज उगता है तो अस्त होने के लिए, फूल खिलते हैं मुरझाने के लिए, मकान बनते हैं ढह जाने के लिए, और लोग दुनिया में जन्म लेकर के आते हैं शरीर छोड़कर यहाँ से चले जाने के लिए। सर्वे छयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया, संयोग अभिप्रयोगांतम मरणांतम ही जीवितम। वाल्मीकि रामायण में राम कहते हैं, सर्वे छयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया, सभी संग्रहों का अंत विनाश है, सारी उन्नतियों का अंत पतन है।
सभी संयोगों का अंत वियोग है और जन्म का अंत मौत है। ये तो सबके शरीर की मौत होनी है और ये कोई दुखद घटना नहीं है। मौत दुखद तब होती है जब हम जीवन को सही ढंग से जी नहीं पाते और जीवन का मर्म समझ नहीं पाते। मौत दुखद तब बनती है जब हमारा मन दुनिया के प्राणी पदार्थों में मोहग्रस्त और लोभग्रस्त हुआ होता है। मौत दुखद तब होती है मानव जीवन पाकर जैसा जीवन हमें जीना चाहिए था हम जी नहीं पाते और जो कर्म करना चाहिए था वो कर नहीं पाते, जो शुभ कर्म करना चाहिए भक्ति सेवा सत्संग और अंत में साधना करते हुए कल्याण का काम, मौत उनके लिए दुखद नहीं होती है। एक संत की श्रद्धांजलि में हम हैं, इसलिए कि उन्होंने अपना जीवन जिया और जिया परोपकार के लिए जिया। नदी अपना पानी कभी स्वयं पीती नहीं है, पेड़ अपने फल कभी खाते नहीं है, नदी बहती है परोपकार के लिए, पेड़ फलते हैं परोपकार के लिए, इसी प्रकार संत जीते हैं परोपकार के लिए। श्री शोभासनंद साहब जब तक जिए परोपकार के लिए जीते रहे। उन्होंने अपने लिए कुछ संग्रह नहीं किया, उन्होंने संग्रह किया भी तो समाज के लिए। साध्वी समता बता रही थी कि शोभासनंद साहब दुनिया छोड़ करके गए, जाना तो सबको है छोड़ करके। श्री शोभासनंद साहब ये केवल आश्रम छोड़कर ही नहीं गए, पूरी दुनिया छोड़ करके गए, लेकिन जाते जाते एक वसीयत छोड़ गए और एक नसीहत छोड़ गए। नसीहत हम सब लोगों के लिए और खास करके उन हम जैसे लोगों के लिए जो साधु मार्ग में आए हुए हैं, अपने को साधु कहते हैं, संत कहते हैं, साधक कहते हैं, जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़ कर दिया है वैराग मार्ग में आकर, जो वैराग का वेश ले लिए हैं, उन सब के लिए जो लोग साधु मार्ग में तो आए हैं, साधना का जीवन जी रहे हैं, साधु वेश का जीवन जी रहे हैं, किंतु जो अपने नाम पर पूंजी इकट्ठा करने चक्कर में पड़े हुए हैं, उन सब के लिए श्री शोभासनंद साहब इकट्ठा कर एक नसीहत छोड़ करके गए, अपने नाम पर पूंजी इकट्ठा मत करना। उनकी पैतृक संपत्ति उनके नाम पर थी, क्योंकि पैतृक संपत्ति अभी भी होगी वो बात, लेकिन उन्होंने अपना माना नहीं, समाज के लिए दिया, जो इकट्ठा किया समाज के लिए दिया, के लिए किया। इसीलिए हमें एक सीख लेनी है, भक्तों द्वारा हमें जो कुछ भी मिलता है, वैसे भक्तों द्वारा हमें भोजन मिलता है, भक्तों द्वारा कपड़े मिलते हैं, निवास की सुविधा मिलती है, भक्तों के सहयोग से आश्रम भी बन गया है,
और जब हम कहीं जाते हैं या आश्रम में भक्त लोग आते हैं तो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कुछ हमें भेंट या पूजा के रूप में द्रव्य देते हैं। क्यों देते हैं? क्या वो हमारे अपने लिए देते हैं? ये दे रहा हूं इसे तो ये इन्हीं के लिए है। एक भावना है, एक संदेश है। भक्त लोग सोचते हैं हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थी में उलझे हुए हैं, घर द्वार गृहस्थी का काम छोड़कर दूर दूर तक जा नहीं सकते, लोक मंगल का या समाज सेवा का कोई ऐसा काम कर नहीं सकते, किंतु ये संत हैं, साधु हैं, इनका अपना कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है, गृहस्थी का परिवार नहीं है, इनका तो समाज है। इन्हें हम जो दे रहे हैं भेंट या पूजा के रूप में, इनके द्वारा आश्रम में आए हुए या अन्न के अन्नों की सेवा होगी, इनके माध्यम से हम कर रहे हैं इसलिए देते हैं। और हम मान लेते हैं हमें दिए, हमने बैंक, हम बैंक में जमा कर देते हैं, मर कर गए बस खाता में जमा पड़ा हुआ है। श्री शोभा सरन साहब एक नसीहत छोड़ करके गए कि अपने लिए इकट्ठा मत करो। भक्तों जो भक्त लोग जो देते हैं वो पूरी समाज के लिए होता है। हमारा शरीर रोगग्रस्त हुआ तो उसमें खर्च करना मजबूरी है, किंतु जो कुछ भी बचे समाज सेवा में लगाते रहे। साधु का काम अपना कल्याण तो करना ही है, समाज सेवा भी है। वो समाज सेवा वाणी के द्वारा तो होती ही है, अच्छी प्रेरणा दे करके। जो भक्त लोग देते हैं उनके द्वारा भी सत्संग का आयोजन करके या किसी प्रकार से उनकी सेवा होती है। सबसे बड़ी सेवा होती है आचरण और वैराग की सेवा। सभी संतों से हम लोगों ने सुना कि श्री शोभा सरन साहब एक लंबे अरसे तक साधु समाज में रहे, किंतु उनके चरित्र में कोई चारित्रिक दोष लगने नहीं पाया। उन्होंने ऐसा जीवन जिया और यही साधु की शोभा होती है। श्री बिमल साहब दिन हम भंडारी साहब जी कहा करते हैं, आप बहुत लोग परिचित होंगे उनमें। हम लोग जब नए नए आए थे 74 में, उनके साथ रहना होता था उधर अयोध्या से आगे सालपुर आश्रम में, और उसके पश्चात जब प्रयागराज आश्रम में आए तो अक्सर हम लोगों से कहा करते थे कि भैया यदि तुम सच्चे वैराग्य से जीवन जियो, साधना से जीवन जियो, और ये संकल्प कर लो कि मैं जिंदगी भर केवल सोने का भस्म खा करके ही जीवन जीऊंगा, और सोने का भस्म कितना महंगा होगा, सोना ही कितना महंगा होता है, और भस्म बनाओ तो और कितना कम हो जाएगा वो। तो साहब कहते थे कि यदि तुम ये संकल्प करो कि मैं जिंदगी भर केवल सोने का भस्म ही खाऊंगा तो तुम्हें सोने के भस्म खिलाने वाले भक्त मिल जाएंगे, शर्त यह है कि तुम सही साधना और वैराग से चलो। साधु की संपत्ति मठ नहीं है, साधु की संपत्ति उसकी विद्वता नहीं है, साधु की संपत्ति उसकी वाक कला नहीं है, साधु की संपत्ति उसका वैराग्य है।
भक्त लोग हमारे जैसे कपड़ा पहनने वाले लोगों को बड़ा मानते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, आरती वंदना करते हैं। किस लिए? क्या हमारी विद्वता देखकर, हमारी कोई भौतिक उपलब्धि या भौतिक ऐश्वर्य देख करके? नहीं, सिर्फ एक साधु का कपड़ा देख करके। हमारा वेश सफेद कपड़ा उज्जवल, ये उज्जवल कपड़ा उज्जवल चरित्र का प्रतीक है। और जीवन में प्रधानता इसी उज्जवल चरित्र की होती है। हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि भक्त लोग हमारी पूजा करते हैं। भक्त लोग हमारी पूजा नहीं करते। ये जो कपड़ा है वैराग का, ये कपड़ा है त्याग का, ये कपड़ा है जीवन की उज्ज्वलता का, जीवन की शुद्धता का, चरित्र की पवित्रता का। भक्त लोग उसकी पूजा करते हैं। और हम मान लेते हैं कि हमारी पूजा होती है। हमारी पूजा नहीं होती। हमारा एक दायित्व तो होता है, जैसा हम कपड़ा पहने हैं, हमारा कपड़ा जैसे उज्जवल है, वैसे अपने त्याग, अपने वैराग, अपने चरित्र को उज्जवल बनाने के। यदि विश्वास न हो कि नहीं, पूजा कपड़े की नहीं होती है, पूजा हमारी होती है, यदि कोई ऐसा मानता हो कि पूजा कपड़े की नहीं हो रही, पूजा वैराग की नहीं, पूजा हमारी हो रही है, तो आप ये कपड़ा उतार कर पैंट कुर्ता पहनकर किसी के घर में घुस लो और तब सब पता चल जाएगा। घुसने नहीं देंगे दरवाजे से ही, तुरंत खदेड़ देंगे। अभी कपड़ा पहनकर जाओगे तो हाथ जोकर स्वागत करते हैं। स्वागत किसका हो रहा है, हमारा कि कपड़े का? हमारा नहीं हो रहा है, कपड़े का हो रहा है। और ये कपड़ा त्याग वैराग साधना का प्रतीक है। और वही हमारी असली पूंजी होती है। मठ रहे या ना रहे कोई बड़ी बात नहीं, हमारा त्याग, हमारा वैराग, हमारा चरित्र रहे उज्जवल होना चाहिए। और फिर शोभा सरलता है, इस मामले में बिल्कुल उज्जवल जीवन जिए। जो कुछ उन्होंने पाया, बटवे किया, समाज के लिए किया, वैरागपूर्ण जीवन जिया, चरित्र उज्जवल रहा उनका। यही प्रेरणा हम यदि ले पाते हैं तो यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। श्री गुरुभूषण साहब ने कहा, द्वारका जी ने कहा, अन्य और लोगों ने कहा, इस मठ में, इस आश्रम में प्रत्येक वर्ष संत समागम होता रहा है, छोटे बड़े, जैसे कभी छोटा कभी बड़ा होता रहा। कोरोना काल में तो सभी जगह व्यवधान उपस्थित हुआ था। श्री शोभा सरन साहब ने इस आश्रम का निर्माण किया है तो सिर्फ इसीलिए कि यहाँ संत रहें, साधना करें और अपनी साधना, अपने चरित्र और अपने वक्तव्य से समाज की सेवा करें। उनके जीवन काल में ही किशन, लखन, रामलाल, उमेंद्र यहाँ आ गए थे, उनकी सेवा करते रहे और उनके श्रांत के पश्चात समर्पित होकर इस आश्रम की व्यवस्था देख रहे हैं। चाहे कोई संत हो, चाहे
किशन हो, किशन का नाम तो सुभाषचंद्र साहब ने कर्तव्य दास रखा था, तो वही कर्तव्य को याद करना है। तो कर्तव्य दास हो, लखन हो, रामलाल हो, उमेंद्र हो, या इस आश्रम से अन्य जुड़े हुए संत यहाँ रहने वाले, या अन्य जो भक्त लोग हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आश्रम किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, यह आश्रम किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ के लिए नहीं है, ये आश्रम समाज की संपत्ति है, वो भी साधु समाज की संपत्ति है। साधु समाज की संपत्ति मतलब भक्त समाज की भी संपत्ति, उसमें साधु और भक्त अलग अलग नहीं होते। यहाँ के कुछ भी है उसे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करना है। अब आश्रम में रहते हैं तो खाना पीना तो पड़ेगा ही, दवाई रोग दवाई तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ रहने वाले, यहाँ आने वाले और यहाँ से जुड़े हुए अन्य जो भक्त हैं, वो समझे कि सुभाषचंद्र साहब आश्रम छोड़ कर गए हैं तो सिर्फ समाज सेवा के लिए गए हैं, इससे हमें कोई भौतिक स्वार्थ की भावना नहीं रखना है। किंतु स्वार्थ भावना छोड़ करके सेवा करना होगा। यदि हम स्वार्थ भावना छोड़ करके सेवा करते हैं तो श्री सुभाषचंद्र साहब के लिए श्रद्धांजलि होगी। सुभाषचंद्र साहब के पास पैतृक संपत्ति रही है, कई एकड़ जमीन यहां भी और रहे है, उनसे भी मिलता रहा, लेकिन इन सब का अहम भाव लाने नहीं दिए अपने मन में, उनका अहम नहीं था, सरल थे, विनम्र थे, निश्चल थे। अब जैसे कहा सबका अपना अपना स्वभाव होता है, स्वभावगत त्रुटियां होती है, वो त्रुटियां जानबूझकर नहीं की जाती, स्वभावगत होती है। हमें भी जितनी हम उनकी त्रुटियां बताएंगे उससे कई गुना ज्यादा त्रुटियां हमारे भीतर होगी। आवश्यकता है अपनी त्रुटियों को दूर करते हुए दूसरों की जो अच्छाइयां हैं उनको आत्मसात करके अपना कल्याण करने की, और जो बन सके दूसरों की सेवा करने की। ये मानव जीवन का उद्देश्य ही है, आत्मनो मोक्षा जगत धीतायस्य। मानव जीवन का उद्देश्य केवल दो है, आत्मनो मोक्षार्थ, स्वयं का मोक्ष, स्वयं का कल्याण, जगत धीतायस्य और जगत का हित। जगत का हित अनेक प्रकार से किया जाता है। यदि हम आत्मकल्याण का काम कर सकते हैं इसी जीवन में, परम शांति, परम आनंद, परम सुख का अनुभव कर सकते हैं अपने सारे बंधनों को काट करके, तो ये भी समाज की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। और सुभाषचंद्र साहब ने यही काम किया है। तो हम सबको एक प्रेरणा लेना है, जाना तो है सबको, और जाना है तो सब कुछ छोड़ करके जाना है। एक छोड़ना होता है मजबूरी में, और एक छोड़ना होता है विवेक से। मजबूरी में छोड़ना बंधन का कारण बनता है, विवेक से छोड़ना छूटने के पहले मोह छोड़ देना ये मोक्ष का कारण होता है। आजकल में हमारा भी जीवन समाप्त होने वाला है, और उस दिन यहां की सारी चीजें यहीं ही रह जाएगी। अभी से
हम अपने अंदर ऐसी भावनाएं रखें, ऐसे चिंतन रखें मन में, ऐसे निरंतर विचार करते रहें और साथ साथ व्यवहार भी करते रहें, हमें छोड़ना ना पड़े, छूट जाए। छोड़ने में मजबूरी है, छूटने में स्वस्थता है, अस्वस्थता में ही कल्याण है। जीवन को यदि हम ऐसा जिए कि जब अंतिम बेला आ जाए, मौत सामने खड़ी, तो सदगुरु कबीर की भाषा में कह सकें, जे मरने से जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरे हो कब पाई हो पूरन परमानंद। मौत का दिन दुख का दिन नहीं होता है, रोने का दिन नहीं होता है, उत्सव का दिन होता है एक साधक के लिए। और हम यदि आनंद का दिन ले सकें, उसको आनंद महसूस कर सकें, उत्सव मना सकें, तो हमारा जीवन सार्थक है। मरना तो सबको है, मरते मरते जगमुआ मुए न जाना कोय, ऐसा होए कि न मुआ जो बहुरी न मरना हो। मरते मरते जगमुआ बहुरी न किया विचार, एक सयाने आपनी पर्वत मुआ संसार। मरने की कला है जीते जी शरीर के मोह को छोड़ देना, शरीर ही नहीं संसार के मोह को छोड़ देना। जो कुछ मिला, शरीर मिला, समाज सेवा में अर्पित कर दिए, शरीर से संबंधित जमीन मिली, मठ मिले, पैसे मिले, समाज सेवा में अर्पित कर दिए, तो ये मरने की कला होगी। और फिर शोभा संसा है, जो कुछ भी जीवन में पाए, शरीर पाया, आदमी को सबसे अधिक मोह होता है शरीर का। अभी हमारे साथी देवेंद्र बता रहे थे और भी बता रहे थे, खुशी से जोड़ दे करके कहा, नहीं मेरे शरीर को दान कर दो। देह रहते रहते देह का मोह छोड़ देने वाले के लिए मौत का दिन दुखद कैसे हो सकता है? उसके लिए मौत का दिन तो उत्सव का दिन होगा। और यदि हम ऐसा कर सकें, और आप सबसे भी निवेदन है कि शरीर तो छूटना है, हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। वैसे पूरा जीवन घटनाओं की श्रृंखला है, जीवन क्या है, घटनाओं का क्रम। इनमें सबसे बड़ी दो घटनाएं होती है, एक जन्म, एक मौत। जन्म से जीवन प्रारंभ होता है और मौत से जीवन का अंत होता है। लेकिन आश्चर्य यह है, जिस जन्म से हमारे जीवन का आरंभ हुआ, किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म का पता नहीं है। है पता आप लोगों को? किसी को भी पता नहीं है। और मर जाऊंगा तो पता ही नहीं चलेगा कि चलेगा कि मैं मर गया हूं। ये तो ये दुनिया वाले रोए चाहे गाय। तो हम मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, तो हमारे शरीर को लोगों ने फेंक दिया है सड़क पर, कि पानी में फेंक दिया है, कि कब्र खोद करके दफना दिया है, चिता बना करके दाह संस्कार कर दिया है, क्या कर दिया, हमें पता नहीं चलेगा ना, काटे फीटे जो भी करे, ये तो उसे सड़ना गला मिट्टी में मिलना ही है। जब मिट्टी में मिलना ही है तो किसी समाज की सेवा में लग जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। इसलिए चाहे साधु हो चाहे आप लोग ही बैठे हैं, अच्छा यही होगा कि मर जाने के पहले अपने अपने शरीर को दान कर दो, मृत्यु के बाद के लिए, अभी जीते जी नहीं, भाई पता भी नहीं चलेगा ना, किसी की सेवा में लग जाएगी। ये इस शरीर पाने का एक बहुत बड़ा लाभ होगा। उज्ज्वल सेवा करें, भक्ति करें, संयम साधना का काम करें, कल्याण का काम करें, और अंतिम में समाज द्वारा प्राप्त शरीर को समाज की सेवा में लगा दें, ये जीवन पाने की सार्थकता होगी। श्री शोभा सहन साहब ऐसा करके गए, उन्होंने एक आदर्श दिखला दिया, उनके बताए उनके जीवन के जो उज्ज्वल आदर्श हैं, उनको जीवन में हम आत्मसात कर सकें, ये उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। मैं उनकी स्मृति में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। थोड़ा जोर से तो जय बोले। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी के बहुत ही गंभीर विचार श्रवण किए। अंत में थोड़ा दो चार मिनट और बैठे। संत लोग आगे पीछे आते रहे, स्वागत नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ के व्यवस्थापक मंडल कहते हैं हम स्वागत करके ही समाप्ति करें। किंतु उसके पूर्व यहाँ जो संत लोग उसकी सेवा किए हैं, अभी तक व्यवस्था में थे इसलिए उनका नाम नहीं लिया था, समय तो हो चुका है समाप्ति का, फिर भी थोड़ा दो पाँच मिनट उनके हम सेवा। उस समय आए लोग जिस समय सचमुच सेवा की जरूरत थी, सेवा की जरूरत के समय सेवा मिल जाना ये बड़े सौभाग्य की बात है। उसमें मैं श्री किशन जी किशन साहब से निवेदन करता हूँ आप आए और दो मिनट में अपनी बातें रखेंगे, हैं कि नहीं? नहीं है, आप आए। और बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। संत कबीर साहेब की जय। संत श्री शोभा शरण साहेब की जय। परम पूज्य गुरुजन साधु बहने भक्त प्रेमी सज्जनों एवं माता बहनों, अभी हमारे गुरुजन भक्तजन साहब जी की श्रद्धांजलि अभी अर्पित किए ही हैं और जितने भक्त सज्जन आते रहे इस आश्रम में, मैं तो अभी आया हूँ। सबसे पहले तो आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं साहब जी के शरीरांत हुआ उसकी सूचना सबको नहीं दे पाया, इसलिए मैं अपने दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं थी या मैं उस समय हॉस्पिटल में साहब जी की बॉडी लाने में ही व्यस्तता हो गई। उसको छुड़ा के जल्दी से लाना था क्योंकि लेट हो जाता ऐसे करके बॉडी दान नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल से निकाल के आश्रम लाएं, ऐसे करके व्यस्तता हो गई थी। और एम्बुलेंस में ही हम लोग लखन साहब जी और मैं थे, तो एम्बुलेंस में ही बात करते करते जितने जानकारी थी उतने लोगों को मैं सूचना दे पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे पहले कि मैं साहब जी की शरीर शांत की सूचना मैं सबको नहीं दे पाया। साहब जी को मैं नहीं जानता था, आश्रम को तो जानता था क्योंकि गुरुदेव जी की कार्यक्रम यहाँ होते रहते थे, डिस्टर्ब बनता था तो देखता था भैंस मुंडी आश्रम ऐसा करके, लेकिन साहब जी को मैं नहीं जानता था। तो मुझे संसी गुरछेम साहब जी बताए कि आपका नंबर मांग रहे थे साहब शोभा शरण साहब जी ऐसा करके, तो मैं कहा साहब जी मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं मांग रहे थे तो मैंने दे दिया ऐसा करके। तो फिर नंबर उनको मिला, फिर हमारे महेश साहब जी हैं जो यहाँ मेरे पूर्व आते जाते रहते थे साहब जी के पास, कभी रहते रहते थे, उनसे बार बार भेजते थे मेरे पास, तो मैं कहा मैं ऐसे कैसे जाऊँ जो मैं उनको जानता ही नहीं। तो फिर कहे नहीं, यहाँ भरदा में एक किसी मास्टर जी का कार्यक्रम था उसमें बुलाए, तो मैं आया। फिर साहब जी कहे आपको रहना है आश्रम में रहना है, मैं कहा साहब जी मैं वैसे मुझे कोई सूचना ही नहीं मिली हो, कहे साहब बुलाएं तो मैं आया हूँ, आसन बिस्तर कुछ भी नहीं लाया हूँ। नहीं तुमको रहना अच्छे जाना ही नहीं है, हम दे देंगे कपड़ा वगैरह। तो फिर और हमारे साध्वीजन वहाँ गई थी लता साहब जी और राधा साहब जी, बताए साहब आसन नहीं है आसन लाने दो, तो बहुत जीत के। तो वो महेश साहब को साथ में ही भेजे अपनी गाड़ी, गाड़ी लो साथ में जाओ और रात में ही आओ,
तो महेश साहब के नहीं रात में कैसे आएंगे, ठंडी का दिन है, सुबह आएंगे। नहीं, दिन में ही, अभी रात में ही आना है वापस। मैं तो नहीं जानता मुझे कैसे जान पाए साहब जी, लेकिन जैसे ही आया साहब जी लगभग कुछ नहीं कहते, मतलब सब चीज़ सौंप दिए थे इस टाइप के कि कुछ भी कहता साहब ये लाना है, हाँ ले आओ। पहले लोग कहते थे साहब जी कंजूस हैं ऐसे करके, बहुत लोग भड़का दिए थे मुझे कि साहब जी कंजूस है, उसके पास रह नहीं पाओगे, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे लोग बोलते थे तुम कैसे वहाँ चले गए, बहुत तरह की बातें आती थी। तो मैं कहा मुझे तो आदत है, मैं बचपन से मतलब जब से साधना मार्ग में आया हूँ बुजुर्गों की सेवा कर रहा हूँ, मुझे पता है कौन चिड़चिड़ाते हैं कौन कैसे करते हैं, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सेवा करने में। लेकिन लोग कहते थे कैसे रह पाओगे, मैं कई संतजन से गुरुजनों से बात भी है क्या साहब जी, मैं भी हाँ गुरु जी से भी बात किया था, तो कहे वहाँ कैसे रह पाओगे, देख लो जब तक मन कहे, ऐसे कई लोग कहे। फिर मैं कहा ठीक है, फिर सेवा करता रहा, साहब जी के प्रेम मुझ पर दया उनकी बनी रही और विश्वास पूरा 100% रहा ही उनका, और जो भी कार्य होते थे कुछ हिसाब किताब नहीं लेते थे, सौंप देते थे। पहला कार्यक्रम हुआ था, मैं नया नया था, तो महेश साहब जी वो गए थे चंदा लाने, मतलब पाम्पलेट बांटे आमंत्रण गए थे, जो संत जो भक्तजन जो दिए थे कार्यक्रम के सहयोग राशि जो भी भेंट किए थे उसको कहे कर्तव्य दास को दे दो। सबसे पहले तो आते ही नाम चेंज कर दिए थे, लंगोटी की बात थी तो कहे मेरे ही गुरु भाई थे संत श्री साधु शरण साहब जी, तो लंगोटी तो मिल ही गई है संतों में, मतलब तो कहे कि नहीं लंगोटी गुरु भाई दिए ही है तो नाम चेंज कर देता हूँ, नाम तो वही है, तो कर्तव्यदास कर दिए। और बैंक में भी कर्तव्यदास ही डलवा दिए, मुझे पता ही नहीं था तब आधार कार्ड तो किशन के नाम से है, तो उसमें भी एफिडेविट वगैरह बनाया, तब जाके वो पैसा निकला, मुझे पता नहीं था कि कर्तव्यदास से नामनी कर दिए हैं घर के। तो साहब जी की तो कृपा बनी ही थी, और साथ में जब से आया था पाठ करना, कहीं से भी आए 9 बजे रात के भी थका मंदा आता था, चलो बैठो पाठ कर, दो ही लोग रहते थे महेश साहब तो आते जाते रहते थे, पाठ करना है, भोजन भी बनाना रहता था, नहीं खाते थे कभी कभी मतलब ऐसा लगता था कि इतना रो डालेंगे, इतना थका रहते थे, छोटी सी बाइक, बहुत शुरू में आया था कार चलाने का आदत, साधु शरण साहब जी सेवा में था तो इलाहाबाद में, तो एकदम से छूट गया था कार, और एकदम छोटी सी गाड़ी मिली और उसमें भी 200-300 किलोमीटर चलवाए और उस समय स्वास्थ्य भी मेरा ठीक नहीं था उस समय, अब आदत तो था सहन करने का, चलो ठीक है शरीर छूट जाएगा तो बढ़िया है, गुरुजनों के चरण में छूट जाएगा। तो इस तरह के साहब जी मतलब कैसे परिचित हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन साहब जी की कृपा बनी और मैं यहाँ आया, और सभी यहाँ के जो ग्रामवासी हैं भक्तजन वो बहुत मतलब जैसे प्रदीप भी हैं संतोष भी हैं, ऐसे बहुत जितने भक्त हैं यहाँ वो मुझे सपोर्ट किए कि साहब हम लोग हैं करिए आप, किया जो भी बन पाया साहब जी उनकी दया तो बनी ही रही, और हमारे गुरुजनों की भी दया है मुझ पर जो इतना भरोसा करके कार्यक्रम में आए, और पाम्पलेट भी हम पूरी तरह से नहीं बांट पाए हैं फिर भी हमारे कृपा सबकी बनी है वो बनी रहे, और मैं पूज्य संश्री शोभा शरण साहेब की श्रद्धांजलि अर्पित कर मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। संतों की उदारता आपने श्रवण किया, इसी क्रम में मैं आपके साथी लखन जी से निवेदन करता हूँ कि आप भी आए और 2 मिनट में अपनी बातें रखें, फिर आगे का प्रोग्राम होगा। ये आज के कार्यक्रम के आखिरी और आभार भी समझ लो इस प्रोग्राम का, श्रद्धांजलि प्रोग्राम का, श्री लखन जी से।
मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, इस सभा में उपस्थित सरल एवं सुसभ्य विद्वत जन, आप सबको सादर साहेब बंदगी। साधु साधु सब बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे की ठौर। मोर सब अपने अपने जगह में बड़े हैं, परम पूज्य श्री शोभा शरण साहेब जी के बारे में सब साहेब को जितना निकट से देखे हैं, समझे हैं, सब व्यक्त किए हैं। मैं साहेब जी का संरक्षण ज़्यादा दिन नहीं पाया हूँ, थोड़े ही दिन उनके निकट में रहा, मैं ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाऊँगा। बाकी आप लोग का प्यार प्रेम और स्नेह मिलता रहे। पूज्य गुरुजनों सब प्रकार की बातें आप सबके बीच में रख दिए हैं। यह आश्रम साहेब जी का स्वयं का था, वो स्वयं अपने जीवन के कर्ता धर्ता थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन को भी दान कर दिया था और अपनी सारी संपत्ति को भी दान करके चले गए हैं आप लोग की सेवा में। अब इस फुलवारी को सही ढंग से बचाए रखने के लिए, आप सबकी सेवा के लिए आप सबकी महती आवश्यकता है। इस तरह के कार्यक्रम हमेशा यहाँ होता रहेगा। आपसे हमें अपेक्षा है, आपके लिए यह दरबार सदा खुला है। बात है दो मिनट में कहने के, लेकिन थोड़ी बात और ले लेता हूँ। यदि हम, मैं खुद के लिए बता रहा हूँ, यदि मैं किसी प्रकार के त्रुटि करता हूँ समाज के लिए या मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, आप सबको छूट है कि मेरे को आप टोक सकते हैं, रोक सकते हैं। एक बात चली थी एक समय कि लखन अपने नाम से शोभा शरण साहेब की सारी संपत्ति को अपने नाम पे करा रहा है। मैं आप सबके बीच में इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, आप चाहे तो इस आश्रम की व्यवस्थापक या संस्थापक जो भी कहें, सर्वसम्मति से किसी भी व्यक्ति को आप यहां के संचालक चुन सकते हैं। हम चार लोग रहते हैं, लेकिन चारों में हमारी एकता और समर्पण के चलते हम लोग यहाँ चारों लोग हैं। अब हम चाहते हैं, अच्छा मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इस आश्रम का व्यवस्थापक अध्यक्ष कौन है, इतने में से कौन जानते हैं? जरा हाथ खड़ा ऊपर कर देंगे। इस आश्रम के अभी वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? कोई नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ के जो अध्यक्ष होंगे, व्यवस्थापक होंगे, उसको सब जाने और वो आश्रम का संचालन करे, तब आपका यहाँ आना, आप संतों से जुड़ना सार्थक होगी। और अधिक ना कहते हुए मैं यहीं पर अपना वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आपको दो ना माइक। लखन जी अभी कह रहे थे कि यहाँ के जो व्यवस्थापक है अध्यक्ष, उसे सब जाने ताकि वो अच्छा व्यवस्था चले। व्यवस्थापक वो अच्छा है जिसे कोई ना जाने। जनवाने के लिए नहीं करें, बस सेवा करें, बस कोई भी हो नाम चलेगा। नाम तो दिया जाता है व्यवस्था चलाने के लिए, एक सिस्टम चलाने के लिए, लेकिन जो अध्यक्ष है वही बड़े हैं, जो छोटे हैं ऐसा कुछ नहीं है।
ये आश्रम है, आश्रम चूँकि गवर्नमेंट के यहाँ एक नाम देना होता है, इसलिए नाम दिया जाता है, किंतु जब चाहे वो समिति में नाम हो या न हो, नए हो या पुराने हो, सबका बराबर अधिकार इस आश्रम में है। आज जो है उनका भी और आने वाले हैं उनका भी, जो लोग भी रहे अभी चार जने हैं, महद भी आते जाते हैं और भी कई लोग आज आ जाएं, जितने भी लोग रहें जो भी काम करना है आपस में मिल बैठ करके विचार में मतलब मीटिंग करके एक निर्णय ले तब वो काम करे, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। और यदि बड़ा कार्यक्रम हो जैसे कार्यक्रम करना है तो इस आश्रम से जुड़े हुए भगत चाहे भैंसमुंडी के हो, मगल लोड के हो, भरदा के हो, या अन्य और पास से लुगे के, करेली के, अन्य आस पास के जो भगत हैं उनसे भी एक मीटिंग बुला करके कार्यक्रम कर लें। मतलब ये ऐसा नहीं है कि केवल चार जने हैं वही करेंगे, जो लोग हैं सब हैं, तो चाहे कोई अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, मंत्री हो, न भी हो, मंत्री और संतरी सब बराबर दोनों आश्रम में। तो ऐसा होना चाहिए कि हम सेवा करें और हमें कोई ना जाने, बस नाम दिया जाएगा किसी का तो है ही पेपर में, उसका जब होता है तो समय से चुनाव भी होता है, तीन साल में बदल भी जाता है, फिर नया हो जाता है, फिर ये तो चलता रहता है। मैंने इसलिए कहा था कि आश्रम किसी के व्यक्तिगत नहीं है, सार्वजनिक आश्रम है, नाम चलाने के लिए व्यथा देखने के लिए किसी के नाम दे दिया जाता है, तो जिनका नाम दे दिया जाता है उन्हें अपना मानना है, और जिनका नाम नहीं दिया गया है वो ये न समझे अरे हमारा तो यहाँ नाम ही नहीं दिया गया, हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं रह गया, हम कैसे आश्रम में, दोनों भूल में हैं। जिनका नाम दिया गया है वो समझते मेरा नाम दिया गया है मेरा अधिकार ज़्यादा है, तो भी भूल में है, और जिनका नाम नहीं दिया गया है चाहे वो संत हो या भक्त हो, वो समझते हमारा तो नाम ही नहीं, हमारे को अधिकार ही नहीं है, वो भी भूल में है। सेवा करना है ना तो नाम हो जाना हो इससे क्या फर्क पड़ता है, सेवा करते चले अधिकार अपने आप मिलता चला जाएगा, अधिकार से सेवा नहीं मिलेगी, सेवा से अधिकार अपने आप मिल जाएगा। और आश्रम में रहने वाले अभी जो चार लोग हैं, महेश भी हैं और लोग आते वाले हैं जो भी हैं, निवेदन यही है सबसे कि सेवा को अपना धर्म माने, सेवा ही अधिकार है, अनुचित पर हम अधिकार नहीं कर सकते, लेकिन सेवा तो हमारा अधिकार है ना, हमें कौन रोक सकता है सेवा करने से, तो सेवा को अधिकार माने और सेवा का अधिकार मानेंगे सब कुछ बढ़िया होता चलेगा, अपना भी कल्याण होगा और समाज की सेवा भी होती रहेगी। एक और व्यक्ति का नाम लूंगा, पहले सूचना आई थी कि किंतु भूल गया था, श्री बहुरन जी इसी गांव के हैं, साहब जी के कई बार भंडार वगैरह सब चीज देखे हैं, आप तुरंत ही आए और दो मिनट में अपनी बातें रखेंगे फिर आगे। बहुरन जी आवत, ये थोड़ा इधर उधर हो गए, माफ करना। आइए आइए, इधर से आइए, इधर से ले, माइक में जी बोलना है बोल दे दो, मोहला बोले नहीं नहीं आए साहेब, बन साहेब की जय, की जय। चलो भाई खड़े हो जाइए, सब कुछ देख लीजिए, ये साहेब के बहुत सेवा किए हैं, भंडार बनाते हैं, भंडार बनाए हैं, इसलिए इसके व्यवस्थापक लोग बहुत नाम लिए हैं और बढ़िया है, ना बोल करके सेवा करो वही सबसे बड़ी बोल है। बोलिए सदगुरु देव की जय। सभी संत लोग विराजमान हैं, एक साथ अब स्वागत करेंगे, आप स्वागत है, विदाई नहीं, स्वागत है, आगे पीछे आए हैं इसलिए एक साथ स्वागत होगा, आप लोग भी बंदगी के लिए आ जाएंगे बाद में, पहले यहाँ के व्यवस्थापक लोग कर लेते हैं। और स्वागत गान बहनों को मैं माइक देता हूँ।
सरल साहब, वो सरल यहाँ देव सदगुरु ते दाता ते धूप लगा पले भाल चंदन पुष्प चरणों हार गल महदीजिए कर जोर करु मैं आस्तुति गुरु तरण तरण। श्री गुरशरण जी के भजन सुने, स्वागत भजन, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। इनकी मंडली